नमस्कार दोस्तों, कुकजीत और फैमिली चैनल में आप सबका दिल से स्वागत करते हैं। दोस्तों मैं हूं उर्मी और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं गुड़ कैरी का खट्टा मीठा अचार। दोस्तों ये अचार आप जरूर बनाइएगा क्योंकि एक बार बना लेंगे तो साल से दो साल तक खाने का मज़ा ले सकते हो। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है अचार और खाने में बेहद स्वादिष्ट लगता है। बच्चे से लेकर बड़े सबको बेहद पसंद आने वाला है, तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों गुड़ कैरी का खट्टा मीठा अचार बनाने के लिए हमें चाहिए 2 किलो कैरी। दोस्तों मैंने तो कैरी को मार्केट से ही कट करवा लिया था, आप घर पर भी कट कर सकते हो। छोटे बड़े जैसे भी पीसेस आपको पसंद हो आप कट करके रख सकते हो। सबसे पहले तो हमें कैरी को 2 से 3 पानी से अच्छे से वॉश करना है। क्योंकि मार्केट में बहुत सारे लोगों ने इस कैरी के ऊपर हाथ भी रखा होगा तो वॉश करना ज़रूरी है। और एक छाननी की सहायता से एक्स्ट्रा पानी इसका हटा लेंगे। वॉश अच्छे से कर लिया है कैरी को। अब हमें इस पीसेस को छाननी के अंदर ऐड करेंगे ताकि एक्स्ट्रा पानी हट जाए। दोस्तों वीडियो के साथ बने रहिएगा और न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। अच्छे से पानी निकल चुका है देखिए दोस्तों। अब हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे बड़े से भगोने में, आप कढ़ाई भी ले सकते हो। अब हमें 7 से 8 चम्मच ऐड करना है सॉल्ट, नमक 150 ग्राम के करीब हमने नमक ऐड किया था। थोड़ा सा नमक ज़्यादा ऐड करना पड़ता है इसके अंदर दोस्तों। नमक ऐड हो चुका है, अब ऐड करेंगे हल्दी 50 ग्राम के करीब हल्दी ऐड कर लेंगे। हल्दी और नमक दोनों ज़्यादा मात्रा में ऐड करना होता है अचार में, तो इसको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है कैरी के अंदर हल्दी और नमक को। हल्दी और नमक अच्छे से मिक्स हो चुका है दोस्तों। अब हमें इसको ढक्कन लगा के पूरी रात भर के लिए इसको रख देना है, अपने आप इसका पानी एक्स्ट्रा निकल जाएगा। पूरी रात भर के लिए रखेंगे दोस्तों। अभी सुबह के 9 बजे है, मैंने रात को इसको 8:30 बजे के करीब रखा था, तो ये देखिए बहुत अच्छे से पानी निकल आ चुका है। देखिए नमक और हल्दी का पानी एक्स्ट्रा जो होता है ना खट्टा वाला, वो निकल आया है। इस पानी को आपको फेंकना नहीं है दोस्तों। दूसरा कोई अचार बनाना है आपको, गाजर का या गोंदा आता है ना उसका भी आप बना सकते हो अचार, तो उसमें भी ये पानी ऐड करके बना सकते हो। उसको भी आप पानी में भिगो के रख दीजिए और बाद में धूप में सुखा दीजिए। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा ये पानी है ना नमक और हल्दी का, कैरी के अंदर से पानी छूटा है देखिए, तो वो पानी हम पहले तो निकाल लेंगे। कैरी का जितना भी एक्स्ट्रा खट्टापन होता है ना वो नमक और हल्दी की सहायता से निकल जाता है, और हल्दी और नमक ऐड करने से लंबे टाइम तक हमारा अचार ख़राब नहीं होता है। तो दोस्तों इसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए तो इसको हम धूप में सुखाएंगे 2 से 3 घंटे के लिए। एकदम कड़क नहीं करना है इसको, इसका एक्स्ट्रा जो ऊपर का पानी है ना वो हट जाए तब तक ही सुखाना है। तो कैरी मैंने सुखाने के लिए रख दिया है, 2 घंटे हो चुके हैं कैरी को। तो यहाँ पर हम सबसे पहले अचार के लिए मसाला तैयार करेंगे। तो दोस्तों मैंने सारा मसाला अचार का घर पर ही तैयार किया है। गैस की फ्लेम को ऑन करके कढ़ाई को गर्म करके धनिया को रोस्ट कर लेना है ताकि अचार हमारा लंबे टाइम तक ख़राब ना हो जाए। तो यहाँ पर धनिया भी हमारा अच्छे से पक चुका है, अब ऐड करेंगे मेथी। यहाँ पर मैंने 60 ग्राम लिया है मेथी दाना। मेथी दाना को भी हमें अच्छे से रोस्ट कर लेना है ताकि एक्स्ट्रा मॉइस्चर वो निकल जाए। मेथी भी अच्छे से पक चुका है, इसको भी निकाल लेंगे। बहुत ही बढ़िया खुशबू आने लगी है मेथी की दोस्तों। अब हमें ऐड करना है 80 से 90 ग्राम सरसों का दाना, इसको भी हमें अच्छे से रोस्ट कर लेना है। ये भी रोस्ट हो चुका है, इसको भी निकाल लेंगे। और अब ऐड करेंगे 2 चम्मच सौंफ और 2 चम्मच ऐड करेंगे जीरा, दोनों को अच्छे से रोस्ट कर लेना है। बहुत ही बढ़िया खुशबू आने लगी है दोस्तों। और सारे मसालों को हमने अच्छे से रोस्ट कर लिया है, ऐसा करने से मसाला हमारा बहुत ही खुशबूदार लगता है और अचार हमारा लंबे टाइम तक ख़राब भी नहीं होता है। तो दोस्तों यहाँ पर 1 चम्मच मैंने लिया है लौंग और 2 चम्मच मैंने लिया है ब्लैक पेपर, काला मिर्च।
लौंग और काला मिर्च रोस्ट हो चुका है। अब हम ऐड करेंगे लाल मिर्च, ये भी अच्छे से रोस्ट हो चुका है। तो दोस्तों सारे मसाले हमारे ठंडे हो चुके हैं, तो इसको हमें पीस लेना है। सबको पहले तो हमें अलग अलग पीस लेना है। सबसे पहले हम मेथी दाना दरदरा पीसना है दोस्तों, पाउडर नहीं बनाना है। मेथी सरसों सबको हमें दरदरा पीस के तैयार कर लेना है। देखिए अच्छे से नहीं पीसा है, थोड़ा और पीस लेंगे मेथी दाना को। मेथी दाना अच्छे से पीस के तैयार हो चुका है दोस्तों। अब ऐड करेंगे सरसों, ये देखिए सरसों भी दरदरा पीस के तैयार हो चुका है। तो सारे मसालों को हमने निकाल लिया है और सबको एक साथ ही ऐड कर लिया है, एक ही थाली में हमने मिक्स कर लिया है सबको, सारे मसालों को। और यहाँ पर मैंने एक भगोना लिया है, भगोना अच्छे से गर्म हो जाए तो एक लीटर ऐड कर लेना है सरसों का ऑयल। जितना भी ऑयल लगेगा उसके हिसाब से हमें ऐड कर लेना है ऑयल। दोस्तों अचार हमारा ऑयल के अंदर जितना डूबा रहता है ना, इतना ही अचार हमारा लंबे टाइम तक टिका रहता है, इसीलिए थोड़ी सी ऑयल की मात्रा ज़्यादा रखिएगा। ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तो इसको हमें ठंडा करने के लिए रख देना है। ऑयल को मैंने ठंडा करने के लिए रख दिया है। और यहाँ पर देखिए कैरी का पीस भी अच्छे से सूख के तैयार हो चुका है, एकदम ड्राई, सूखा के एकदम कड़क नहीं हो जाए वो ध्यान रखना है कैरी का पीसेस। बस इसका ऊपर का जो मॉइस्चर होता है ना वो हट जाए तब तक ही कैरी के पीसेस को धूप में सुखाना है। तो एकदम अच्छे से ड्राई हो चुका है ऊपर से कैरी के पीस। तो यहाँ पर हम 1.5 किलो लेंगे गुड़। आप गुड़ और चीनी दोनों को मिक्स करके भी ऐड कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर मैंने गुड़ लिया है। गुड़ को छोटे छोटे पीसेस में मैंने कट लगा दिया है। यहाँ पर मैंने 1.5 किलो लिया है गुड़। आप कैरी जितना 2 किलो होता है उतना सेम मात्रा में गुड़ भी ले सकती हो, लेकिन मैं बाद में चेक करूँगी, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो बाद में भी मैं गुड़ ऐड कर लूँगी। तो ये सारे मसाले मैंने पीस के तैयार किए थे ना, वो ऐड कर लेंगे। मेथी सौंफ सरसों वो सारे मसाले मिक्स करके ऐड कर लिए हैं। अब यहाँ पर ऐड करेंगे लाल मिर्च, और 50 ग्राम के करीब ऐड करेंगे हल्दी पाउडर। अब 150 ग्राम ऐड करेंगे लाल मिर्च पाउडर। आप जैसा तीखा पसंद करते हो, कम तीखा पसंद करते हो, इसके हिसाब से आप लाल मिर्च पाउडर ऐड कर सकते हो। सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे चम्मच की सहायता से। दोस्तों मैंने नमक ऐड कर लिया था लेकिन कैमरा मेरा बंद हो गया था इसीलिए आपको बता नहीं पाई, सो सॉरी। नमक भी आपको ऐड करना है स्वाद के अनुसार। अच्छे से मिक्स कर लेंगे चम्मच की सहायता से सारे मसालों को। अब ऊपर से ऐड करेंगे ऑयल। ऑयल थोड़ा सा गर्म है दोस्तों, एकदम ठंडा नहीं हुआ है, थोड़ा थोड़ा गर्म है और ऑयल ऐड कर लिया है। और भी ऑयल की अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम बाद में ऐड कर सकते हैं दोस्तों। अभी हम इस मसाले को अच्छे से ऑयल के अंदर मिक्स कर लेंगे सारे अचार को। देखिए ऑयल अच्छे से मिक्स हो चुका है ना अचार में, तो इसको ना हमें कांच की बरनी में पैक करके रखना होता है दोस्तों। गर्म नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी अचार, एकदम अच्छे से ठंडा हो जाए अचार, बाद में हमें बरनी के अंदर पैक करके रख देना है। और जैसे जैसे गुड़ मेल्ट होगा ना वैसे वैसे ये अचार अपने आप रसेदार बनेगा, और ये कच्चा कैरी है ना वो भी अपने आप सॉफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने 50 ग्राम हींग ऐड कर लिया है। हींग ऐड करना बेहद ज़रूरी है, हींग से टेस्ट बहुत बढ़िया आ जाता है। तो हींग को भी मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। और यहाँ पर हमारा खट्टा मीठा अचार देखिए अभी तैयार तो नहीं हुआ है लेकिन मैंने बना लिया है, तो इसको हम गार्निशिंग के लिए निकालेंगे और इसको हम कांच की बरनी में पैक करके रखेंगे। तो दोस्तों इसको तैयार होने में 15-20 दिन से 1 महीने तक का टाइम भी लगता है, लेकिन ये बहुत लंबे टाइम तक टिकता है। और भी ऑयल की ज़रूरत पड़ेगी मुझे तो मैं ऐड कर लूँगी। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।